नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र पाल। उम्मीद करते हैं कि जो इसके पहले दो वीडियो पड़ी थी वो बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज हम टाइप थ्री में आ गए हैं। टाइप थ्री, अब धीरे धीरे अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। फिर बड़े बड़े आधे पेज का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए, बस पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन ये तो सब हमको आते हैं। धीरे धीरे हम लोग सबको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबको लेके चलना होता है, ठीक है। तो आइए आज टाइप थ्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्मार्ट लग रहे हैं? बिल्कुल स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिएगा। टाइप थ्री में चीनी की कीमत में देखिएगा, अब वृद्धि और कमी से, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत का क्वेश्चन है, ठीक है ना। खपत और खर्च का क्वेश्चन है, तो ध्यान देते हैं, ठीक है ना। लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम सबसे मस्त तरीका लगाएंगे, इजी तरीका लगाएंगे, ठीक है ना, जो विद इन सेकेंड में आ जाए, ठीक है। चलिए आ जाइए। चीनी की कीमत में ध्यान दीजिएगा, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। देखिए, पहले हम आपको इसको समझाते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि यदि 10 रुपए प्रति केजी है, कोई वस्तु 10 रुपए प्रति केजी है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरा प्रयास करिए समझने का। 10 रुपए प्रति केजी है और इस मूल्य में कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई, 1 रुपए वृद्धि हो गई, 2 रुपए वृद्धि हो गई, लेकिन आज भी हमको 10 ही रुपए, क्योंकि कल भी हमारे पास 10 ही रुपए थे, क्योंकि बेरोजगार आदमी है, 10 रुपए कल भी थे और आज भी 10 रुपए हैं। तो देखिएगा, कल भी हमारे पास 10 रुपए थे, तब 1 केजी मिल रहा था, आज वही रेट बढ़ गया, 10 रुपए हो गया 12 रुपए, लेकिन हम खर्च तो 10 ही रुपए कर रहे हैं। पहले हमको 1 केजी 10 रुपए में मिल रहा था, आज भी हम 10 ही रुपए हमको खर्च करना है। कितना खर्च करना है? 10 ही रुपए खर्च करना है। तो क्या आज 1 केजी मिलेगा? नहीं, आज 1 केजी से क्या होगा? कम मिलेगा, यानी खपत हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। इस बात को समझिएगा, जैसे कि टमाटर, आजकल सब्जी भी बहुत महंगी हो चुकी है, ठीक है। देखिएगा, यदि टमाटर का रेट 40 रुपए प्रति केजी है, कितना? 40 रुपए प्रति केजी, समझिए इस बात को। और 40 से 10 रुपए बढ़ गया, अब हो गया 50 रुपए प्रति केजी, कितना हो गया? 50 रुपए प्रति केजी। तो हमको खर्चा तो कितना करना है? 40 रुपए, क्योंकि हमारे पास कल भी 40 रुपए हैं, आज भी 40 रुपए हैं, तो हमको खर्चा सिर्फ कितना करना है? 40 ही रुपए खर्च करना, समझ रहे हैं इस बात को? हमको कितना खर्च करना है? सिर्फ 40 रुपए खर्च करना है। अब 40 रुपए खर्च करना है, यहां तो 1 केजी मिल रहा था, क्या यहां 1 केजी 40 रुपए में मिलेगा? नहीं, 1 केजी से क्या होगा? कम मिलेगा, यानी हमको खर्च नहीं बढ़ाना है, तो खपत में क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा, यानी 1 केजी से क्या होगा? कम मिलेगा। इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, आइए देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चीनी का मूल्य 25% वृद्धि हो जाती, मान लेते हैं कि पहले 100 रुपए था, 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए प्रति केजी था, कितना था ये मान लिए हमने, 100 रुपए प्रति केजी था, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने मान लिया। आज उसका रेट कितना हो गया? तो आप कहेंगे 25% बढ़ गया, 125 रुपए प्रति केजी हो गया, लेकिन हम खर्च तो कितना कर रहे हैं? 100 ही रुपए खर्च, कितना कर रहे हैं? 100 ही रुपए खर्च करना है। देखिएगा, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई है, तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च ना बढ़ाना चाहे, खर्च को क्या करना चाहे? ना बढ़ाना चाहे, खर्च को ना बढ़ाना चाहे, जितना पहले खर्च
हो रहा था, यानी 100 रुपए उतना अभी खर्च हो रहा, लेकिन पहले 100 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया, 125 रुपए हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो अब आप बताइएगा उस 1 केजी खरीदने के लिए आपके पास कितना कम है, तो आप कहेंगे 25 रुपए कम है। कितना कम है? 25 रुपए कम है। वो 25 किस पे कम है? 125 पे, तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आपको खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, 20%। 20% किस में? खपत में कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा? खपत में 25% की क्या करना, सॉरी 20% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। देखिएगा फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंसेप्ट पे जाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कभी आप भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ कभी रटी नहीं जाती है, ठीक है ना। कंसेप्ट पे विशेष ध्यान दिया जाता है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने कमी करनी पड़ेगी, यानी कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, पहले हम कितना 100 रुपए प्रति केजी खर्च करते थे, यानी 100 रुपए खर्च करते थे 1 केजी पे, अब बढ़कर उसका मूल्य कितना हो गया, 125। लेकिन अभी भी हम खर्च 100 ही रुपए करते थे, जितना हम कल 100 रुपए खर्च कर रहे थे उतना आज हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे। तो बताइए हमारे पास अभी वो 1 केजी खरीदने के लिए कितने की कमी है, 25। यानी 25 की कमी किस पे, 125, क्योंकि आज का रेट 125 है ना, तो कितने की कमी हुई, 125 पे 25 की कमी। तो बताइए 100 पे कितना, तो कितना, यानी 20%। तो खपत में कितने की कमी करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे खपत में कितने की कमी करना पड़ेगा, 20% की। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इसके पहले हमने क्वेश्चन को किया है, सेम वैसे क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिएगा। चीनी, ध्यान दीजिएगा, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से, पहले इसका मूल्य 100 रुपए प्रति केजी, मान लेते हैं 100 रुपए प्रति केजी था, आज इसका भाव कितना हुआ, 140 रुपए प्रति केजी। हम पहले भी 100 ही रुपए खर्च करते थे, कल भी 100 रुपए खर्च करते थे, और आज भी हम 100 ही रुपए खर्च कर रहे हैं। पहले जब 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो 1 केजी मिल रहा था, क्या अब 1 केजी मिलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी 100 रुपए 40 रुपए क्या है, कम है, क्योंकि आज का रेट कितना है, 140, उसमें कितनी कमी है, 40 की कमी है। तो 40 की कमी कितनी, तो बताइए 40 की कमी है, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो खपत में प्रतिशत कमी, तो बताइए कितने की कमी है, 140 में कितने की कमी, 40 रुपए की, तो बताइए 100 में कितने की, तो सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये 2 ये 7 हुआ, अब बताइए ये कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 40 बटे में 140 इंटू 100, जब सॉल्व कर रहे होंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 200 बटे में कितना, 7 7 × 14 हुआ, यानी 28 सही, 2/7%। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन, कई ये जो तीसरा हम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी जैसे 2 क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसके अभी टाइप 3 में भी पढ़ेंगे, टाइप 4 में ऐसे ही कंसेप्ट के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे 4-5 तरीके के टाइप बन जाते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो ध्यान दीजिए, पहले 100 रुपए की प्रति केजी है, मान लिए हमने 100 रुपए प्रति केजी है, अब बढ़कर कितना हो गया, 140 रुपए। पहले 1 केजी 100 रुपए में मिलता था, क्या अब 1 केजी
सौ में, क्योंकि हमको सौ ही रुपए तो खर्च करना है, तो क्या बताइए एक सौ रुपए में एक केजी मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास चालीस रुपए कम है, और चालीस कम किस पे, एक आज का रेट 140 है ना, तो 40 कम किस पे, 140 तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे 28 सही 2/7% की क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा, ताकि खर्च सीमित रहे, जितना पूर्व बना रहे, जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना अब भी खर्च। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले हमने तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आज हम चौथे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसके पहले जो तीसरे टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न का है। उसमें प्रतिशत दिया था, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति केजी से 36 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे वो क्वेश्चन लगा था वैसे ये भी लगेगा, कोई फार्मूला नहीं रटेंगे, ठीक है ना, कोई ट्रिक नहीं रटेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, और बेसिक भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ट्रिक ही जैसे है। आइए देखिएगा, बस समझ कर देखिए, मैथ है, जब तक आप समझेंगे नहीं कंसेप्ट को, ठीक है ना, आप कितना भी ट्रिक याद करेंगे दो दिन बाद वो भूल जाना ही जाना है, ठीक है। तो आइए कंसेप्ट पे विशेष ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 36 रुपए हो गए, यानी 24 रुपए प्रति केजी था और बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 36 रुपए प्रति केजी हो गया। समझ में आया? तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, क्योंकि कल भी हम 24 रुपए खर्च कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, 24 रुपए हम कल भी खर्च कर रहे थे और आज भी हम 24 ही रुपए खर्च कर रहे हैं। कल भी 24 रुपए, जब हम 24 रुपए कल खर्च कर रहे थे तो एक केजी मिल रहा था, आज 24 रुपए खर्च करेंगे क्या एक केजी मिलेगा? नहीं। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि रेट कितना हो गया, 36 रुपए हो गया। जब 36 रुपए हो गए, लेकिन खर्च हमको कितना करना है, 24 रुपए। रेट बढ़ने से क्या मतलब है, रेट कितना भी बढ़ जाए इससे हमसे क्या मतलब है, हमारे पास जितना बजट होगा जेब में, बेरोजगारी में जितना भी बजट है, वैसे भी बेरोजगारी में आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना, कि बजट की क्या हाल हो चुका है, कोरोना भी जो कुछ बहुत था वो कोरोना ले डूबा। आइए देखिएगा, पहले कितना था, 24 रुपए प्रति केजी, आज रेट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 36 रुपए। तो बताइए कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 12 रुपए की कमी है, ठीक है। पहले हम 24 रुपए में प्रति केजी खरीद लेते थे, आज आप बताइए, आज उसका रेट 36 रुपए प्रति केजी हो गया, आज भी हमको 24 रुपए खर्च करना है, तो कितने की कमी है 36 में, यानी 36 रुपए प्रति केजी है। अगर हमको एक केजी खरीदना होगा तो कितने की कमी है, 12 रुपए की कमी है। तो बताइए खपत में कितने की कमी होगी, खपत में कमी प्रतिशत, तो बताइए 36 में कितने की कमी है, 12, ठीक है ना। तो ये खपत में कमी है, और प्रतिशत निकालना है, तो कितने का गुणा करेंगे, 100 × 36, तो बताइए कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, किसमें, खपत में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको बता दे रहे हैं, कल भी हमारे पास 24 रुपए प्रति केजी था, आज उसका रेट कितना हो गया, बढ़कर के 36 रुपए प्रति केजी हो गया। पहले भी हम 24 रुपए खर्च कर रहे थे, आज भी हम 24 ही रुपए खर्च कर रहे थे, तो बताइए कितने की कमी है उसे केजी खरीदने के लिए, 12 की कमी किस पे है, 36, तो बताइए ये 12/36, तो बताइए 100 में कितना, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, किसमें, खपत में कमी करना पड़ेगा, ओके। आइए अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति केजी हो जाता है, यदि उस पर होने वाले खर्च ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सेम जो अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि 6 रुपए प्रति केजी था, उससे बढ़कर कितना हो गया 7.5 रुपए प्रति केजी। कोई फार्मूला नहीं याद करना, कोई ट्रिक नहीं याद करना, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। 6 रुपए प्रति केजी से बढ़कर के 7.5 रुपए प्रति केजी हो गया। अब देखिएगा, पहले हमारे पास 6 रुपए प्रति केजी था, आज बढ़कर कितना हो गया 7.5 रुपए प्रति केजी। आज भी हम जितना पहले हम खर्च कर रहे थे, 6 रुपए पहले हमने खर्च कर रहे थे, आज भी हम 6 ही रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन मूल मूल्य बढ़कर कितना हो गया 7.5 रुपए प्रति केजी हो गया। तो बताइएगा कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 1.5 रुपए की कमी है। कितने रुपए की कमी है, 1 केजी खरीदने के लिए 1.5 रुपए की कमी है। तो बताइए प्रतिशत में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो खपत में कमी प्रतिशत, तो आप कहेंगे 7.5 में यानी 7.5 में कितनी 1.5 की कमी है, तो बताइए 100 में कितने की कमी होगी। चलिए फिर से इसको हम बता दे रहे हैं, यदि पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति केजी हो जाता है, यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। श्योर है कि अगर मूल्य बढ़ रहा है, हमको खर्च नहीं बढ़ाना है, तो खपत में कमी करना ही करना पड़ेगा। पहले रेट कितना था, 6 रुपए प्रति केजी था, आज बढ़कर कितना हुआ 7.5 रुपए प्रति केजी हो गया है। आज भी, पहले भी हम 6 रुपए खर्च कर रहे हैं, आज भी हम कितना खर्च कर रहे हैं 6 रुपए, पहले भी हम 6 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन मूल्य कितना है 7.5 रुपए प्रति केजी है, तो निश्चित रूप से 1 केजी खरीदने के लिए अभी कितने की कमी है 1.5 रुपए की कमी है। 1.5 कमी किस पे है, 7.5 पे, तो बताइए 100 पे कितने की कमी होगी। तो आप कहेंगे 100 में 1.5 से 7.5 काटेंगे, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, और फिर 5 को 100 काटेंगे तो कितने 20 टाइम्स, यानी कितना 20% की क्या होगी कमी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम टाइप 5 की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट